खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां पर ग्राम सेमड़ी की शासकीय प्राथमिक शाला का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में समूह संचालक की मनमानी के चलते बच्चों की मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। मामले को लेकर जब मीडिया की टीम शासकीय प्राथमिक शाला सेमड़ी पहुंची तो बच्चे बर्तन साफ करते हुए नजर आए। जब बच्चों से मध्याह्न भोजन के संबंध में पूछा गया, बच्चों ने कहा कि हमें प्रतिदिन खाने में बेस्वाद खाना मिलता है, इतना ही नहीं मेन्यू के हिसाब से भोजन भी नहीं दिया जाता। बता दें कि स्कूल से प्रभारी आचार्य दशरथ पटेल भी हमेशा नदारद रहते हैं। जब फोन पर बात की गई तो बताया गया कि ना मेरी जिम्मेदारी मध्याह्न भोजन की है और ना ही पेयजल समस्या के लिए हम जिम्मेदार हैं। मध्याह्न भोजन माँ अंजनी स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता है। जो भी भोजन दिया जाता है रजिस्टर में उसकी प्रविष्ट की जाती है, जबकि मध्याह्न भोजन रजिस्टर पंजी में एक सप्ताह से कोई भी प्रविष्ट नहीं की गई है।